केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 यात्री बुरी तरह जख्मी हैं। ये विमान दुबई से लौट रहा था और इसमें चालक दल सहित 190 यात्री सवार थे। हादसे के समय तेज़ बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी कम थी। लैंडिंग करते समय विमान रनवे से हटकर आगे 35 फीट घाटी में गिर गया। जहां हादसे की एक वजह तेज़ बारिश के कारण विजिबिलिटी की कमी को माना जा रहा है, वहीं जानकार इसकी वजह कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे को भी मान रहे हैं। दरअसल टेबल टॉप रनवे एक ऐसा रनवे होता है जो अमूमन पहाड़ी या पठारी जगहों पर बनाया जाता है। पहाड़ों पर समतल जगह कम होने के कारण ऐसी हवाई पट्टी बनाई जाती है जिसके आसपास कम ही जगह बचती है। इसमें कई बार या तो एक तरफ फिर दोनों ही तरफ गहरी ढलान या खाई हो सकती है। भारत में ऐसे 3 रनवे हैं, मंगलोर, कोझिकोड और लैंपुई। अगर हम मिसाल दें कि हमारे घरों में टेबल टॉप होता है, ये रनवे भी कुछ वैसा ही है, यानी सीमित जगह पर रनवे है और जैसे ही रनवे ख़त्म होता है खाई है। ऐसे में अगर समय पर ब्रेक नहीं लग पाएगा या लैंडिंग के वक्त विमान रुक नहीं पाएगा तो हादसा होने की आशंका बढ़ जाएगी। बहरहाल कोझिकोड हादसे की अभी जांच बाकी है और उसके बाद ही खुलासा होगा कि हादसे का मुख्य कारण क्या था। लेकिन आमतौर पर ऐसे हादसे ब्रेक नहीं लगने या समय पर ब्रेक नहीं लगने से होते हैं। बीते कई सालों से एक्सपर्ट कोझिकोड एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं। अगर एक्सपर्ट्स की राय माने तो ये हादसा होना लगभग तय था। तीसरे राउंड के लिए निकला और मैं क्लो 2 नंबर गेट पर पहुंचा जो हमारा इमरजेंसी फायर गेट है। इमरजेंसी गेट पर मैंने पहुंचा, वहां पर एसआई मंगल सिंह ड्यूटी पे थे और मैंने उनसे बीट बुक मांगी साइन करने के लिए। फिर मैं उनसे थोड़ा बात करने लगा, मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। गेट नंबर 8 को सर हमने इमीडिएट खोला और गेट नंबर 8 को खोलने के बाद 25 के अप्रोक्स 25-30 वॉलंटियर्स अंदर आए, एक जेसीबी अंदर आई और सर जो मलबे को निकाल रही थी जिसमें से पैसेंजर्स जो नीचे दबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था। इस तरह की दुर्घटना कभी भी हो सकती थी। किसी भी एयरपोर्ट के लिए आपको कम से कम 150 मीटर का क्षेत्र रनवे के दोनों छोर पर देना चाहिए। कालीकट का एक एयरपोर्ट इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, साथ ही ये बड़े विमानों के लिए बेहद खतरनाक है। फिलहाल हादसे का निश्चित कारण बता पाना मुश्किल है, लेकिन बारिश के कारण मुश्किल बढ़ जाती है। यहाँ हम सिर्फ मौसम को दोष नहीं दे सकते। सिविल एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन की बात माने तो गीले रनवे पर विमान का उतरना सबसे खतरनाक होता है। जब रनवे पर विमान लैंडिंग करता है तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। रनवे के टॉप पर एयरक्राफ्ट नीचे उतरता है। जब विमान पूरी तरह से रनवे पर लैंडिंग करता है, भारी मात्रा में रबर जमा होता है। अगर ऐसी स्थिति में रनवे गीला है और रबर जमा है तो एक्सीडेंट की आशंका बढ़ जाती है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसी तरह 22 मई 2010 में मैंगलोर में हुए हादसे में 158 लोगों की जान गई थी। मैंगलोर भी टेबल टॉप रनवे है। कोझिकोड का ये पहला हादसा नहीं है जब विमान रनवे पार करके निकल गया हो। इससे पहले साल 2017 में भी ऐसा ही हो चुका है। 2011 में एक एक्सपर्ट कमेटी ने कोझिकोड करीपुर हवाई अड्डे का मुआयना किया था और इस एयरपोर्ट के ख़तरों को लेकर चेतावनी भी दी थी। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था, बारिश की स्थिति में रनवे पर विमान लैंडिंग यात्रियों के
जीवन को खतरे में डाल सकती है, लेकिन DCCA ने अपने पत्र में इसकी अनदेखी की। अगर वक्त रहते ध्यान दिया होता तो सिर्फ हादसा ही नहीं टल जाता बल्कि कुछ लोगों की जान भी बच जाती।